निहारिका जी, गुड टू सी यू। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। एंड इससे प्रिविलेज मोमेंट क्या हो सकता है कि आप धरती माता को वापस से उगाने के प्रयत्न में हैं। वैसे भी आजकल हम लोग एनवायरनमेंट की बहुत बात करते हैं, लेकिन करते ज़्यादा नहीं हैं उसके बारे में। तो मौका मिला है मुझे, अनुषा ने आज मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। रियली मैं दिल से बहुत खुश हूँ। मैं थी यहाँ पे जब साइक्लोन हुआ था, और आई डोंट थिंक कि मेरी लाइफ में मुझे इतना डरावना मैंने सीन कभी देखा है, क्योंकि आज तक तो मैंने ऐसा साइक्लोन नहीं देखा है। और जब हम लोग फिर उस 3 दिन बाद चलने गए थे, मैं बहुत चलती हूँ और इस एरिया में भी चलती हूँ, इस जुहू बसोवा लिंक रोड एरिया में भी,
तो इतने सारे हमने पेड़ गिरे हुए देखे थे और ऐसे मोटे मोटे पेड़ गिरे हुए थे कि बहुत दुख होता है कि जो 50 साल से शायद जो उग रहे थे और सब सब टूट गया। तो इट फील्स वेरी नाइस कि अब जाके हम उसको कहीं ना कहीं वापस कर सकते हैं, लाइक वापस पेड़ आ सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। अनुषा जी, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपने भी उठाई है, हम देख रहे हैं पेड़ों सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, कौन को सपोर्ट कर रहे हैं अपने हाथों से पेड़ों को लगा रहे हैं, तो मानती है कि ये इसे और आगे भी बढ़ाना है। एक्चुअली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम आगे आए और जो साइक्लोन ने हमको जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करें। एटलीस्ट 50 साल के झाड़ के सामने 5 साल के झाड़ लगाए या 5 महीने के झाड़ भी लगाए तो हम फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट निहारिका यहाँ आई है एंड शी इज़ कम विथ अस, एंड विश्वास मोटे जी का मुहिम है जो यहाँ के एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हैं BMC के वेस्ट वार्ड के, उन्होंने मुहिम उठाया है। वी फ्रॉम मेकर्स ग्रीन अगेन फाउंडेशन सपोर्ट हिम टू द फुलेस्ट एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट नितिन जी इज़ ऑल्सो कम डाउन फ्रॉम हियर और उन्होंने इस प्लान को अडॉप्ट किया है, क्योंकि इन्होंने उसको प्लांट कर दिया, BMC ने झाड़ प्रोवाइड कर दिया, लेकिन सींचना बस हमें ऐसे एक पर्सन सिटीजन की ज़रूरत है जो उसको आगे ले जाए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर फॉर व्हाट दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग। बैठिए ना, आइए। There are tireless BMC warriors who actually work for it day and night. So I'd like him to say something, please. Actually, अपने जो असिस्टेंट कमिश्नर है BMC के विश्वास मोटे जी, उनके उनके थ्रू ये जो कैंपेन चालू हुआ है हेड ऑफ द पीट, वहाँ पे जो अपने झाड़ अपना लगाना कैंपेन एक महीने से चालू है, वो एक मैसेज है सिटीजन कि मतलब जो नुकसान एनवायरमेंट का हुआ है वो किधर ना किधर अपन उसको थोड़ा सा भरपाई कर रहे हैं। और निहारिका जैसे लोग जो इसके सामने आते हैं कैंपेन के साथ जुड़ते हैं तो उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस बढ़ता है। नया रखे जी, थैंक यू आप आए इसके लिए BMC की तरफ से। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर, शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड कॉसेस एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जिनकी बातों से फ़र्क पड़ता हो अगर वो आगे आके मुहिम उठाए और हमारे सिटीजन साथ हो तो हम लोग एक क्या मतलब हम हज़ारों झाड़ लगा सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू मेक अर्थ ग्रीन प्रोवाइडेड वी ऑल कम टुगेदर एज वन। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें ऑक्सीजन मिलता है पेड़ों से और आपको तो पता ही है कि ऑक्सीजन की तादाद कितनी कमी है आजकल 3-4 महीनों से। तो मैंने यहाँ एक पेड़ लगा के ना ऑक्सीजन हल्का सा 1% बढ़ा है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दिस चांस टू आस्क यू, यू आर ऑल्सो अ कोविड वॉरियर, यू आर अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड यू बीन हेल्पिंग पीपल by actually being a doctor on that side. Yes, so अभी इस side पर आकर citizen बनकर एक झाड़ लगाने में कैसा लग रहा है आपको? देखो मैंने हमेशा कहा है कि आप कलाकार हैं या कुछ भी हैं, आपको अपने सोसाइटी के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, उनके साथ मिलकर हमेशा काम करना चाहिए और आपका ये धर्म है करना, तो मैं बस अपना धर्म निभा रही हूँ। इंडस्ट्री के लोगों को कैसे जागरूक करेंगे कि वो भी आएँ, जैसे आप आई हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। हाँ जी, अनुषा जी और विश्वास मोटे जी सब मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ जी, पहली बात तो सोशल मीडिया आजकल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे मैं बात करूंगी, मैं बोलूंगी कि आप आइए, आगे आइए, मिलके हम लोग सब और पेड़ और पौधे लगाते हैं। एंड आई थिंक इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। और गार्डन्स बन रहे हैं, मैं जानती हूँ कि मुंबई में बहुत सारे गार्डन्स बन रहे हैं, तो वहाँ सारे इंडस्ट्री वाले और भी कॉर्पोरेट वाले लोग भी आएँ और मिलकर हम सब लोग लगाएं, तो कितना अच्छा लगेगा कि आपने आप और प्रकृति एक हुए। मैं सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार करूँगी। सर, आपकी कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आप? सर, मेरा तो ये रेसिडेंस एरिया है और यहाँ पे जितने भी झाड़ गिरे हैं, हमारी महावीर टू में ऐसा झाड़ गिरा था जो बिल्डिंग के ऊपर गिरा था और BMC ने हमको इतना सपोर्ट किया, गार्डन डिपार्टमेंट ने पर्टिकुलरली, कि वो झाड़ हमारी बिल्डिंग को कुछ हुआ नहीं। और हम तो चाहते कि हमारा पूरा और एरिया जितनी झाड़ गिरी उससे डबल लगाना चाहता हूँ मैं तो, इसीलिए मैं बिल्कुल आपके साथ में हूँ कि और ज़्यादा ग्रीनरी हमारी एरिया में हो और हमारा एरिया वापस उतने ही झाड़ हमको दिखे और उससे कहीं ज़्यादा दिखे। मुंबई में समंदर तो है ही और हरियाली, और हमारी कोशिश है और बढ़ जाए। थैंक यू। Picture with them, then we'll do a picture again. Okay.
इस तरफ भी आ जाइए। अच्छा यहाँ पे देखिए सब लोग, ये कैमरे में यानी कि